दोस्तों, आपने निधि वन के बारे में तो बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जिसमें लोग कहते हैं कि रात में श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों के संग रासलीला करने आते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी तरह तरह की कहानियां लोग हमें बताते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ निधि वन की रात की CCTV फुटेज, जिसमें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। दोस्तों, ये निधि वन की रात की वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं ये निधि वन का एग्जिट गेट है। अगर आप निधि वन गए होंगे तो आपने तो देखा ही होगा। और ये है निधि वन का मेन एंट्री गेट, जहां से लोग निधि वन के अंदर जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आधी रात का है और यहाँ के सीन तो आप देख ही रहे होंगे कि काफी डरावने हो रहे हैं। वैसे शाम को ज्यादातर बंदर तो यहाँ से चले जाते हैं, पर कुछ बंदर अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की रासलीला यहाँ पर कोई नहीं देख सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देख के लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर कभी कभी पेड़ से तेज हवाएं चल रही हैं और कभी कभी बंद हो जाती हैं। और आप लोगों को बता दूं, शाम को मंदिर बंद करते टाइम यहाँ पर राधा कृष्ण के सामने सारा श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर आके रोज रात में श्रृंगार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको यहाँ की भी CCTV फुटेज दिखाएंगे। दोस्तों, ये है राधा रानी कुंड, जहाँ पर राधा रानी स्नान करने के लिए आया करती थी। अभी तो रात में ये कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। और कुछ बंदर तो यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये रात में यहाँ पर निधि वन की रखवाली कर रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ के पेड़ देख सकते हैं, ये कितने मुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये पेड़ गोपियाँ होती हैं, जो रात में गोपियाँ बनकर श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। और यहाँ के सारे पेड़ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कहते हैं कि रात में यहाँ पर जो भी आता है और अगर उसने श्री कृष्ण की रासलीला देख ली तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। और यहाँ तक कि आसपास के रहने वाले बहुत लोगों ने उनके घर की जो भी खिड़की या दरवाजे निधि वन की तरफ हैं, उन्होंने उसमें ईंटें लगवा दी हैं, ताकि रात में उनकी नजर निधि वन की तरफ ना जाए। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि रंग महल मंदिर में यहाँ पर मिठाइयाँ, पान और श्रृंगार के सामान रख दिए जाते हैं। और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पे पान जो है वो चबाया हुआ है। रात में यहाँ पे फ्रेश पान, मिठाइयाँ और श्रृंगार के सामान रखे जाते हैं। और आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि पान भी खाया हुआ है और मिठाइयाँ भी खाई हुई हैं, और बाकी श्रृंगार का पूरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, निधि वन के रात की वीडियो देख के कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा।